मेरा नाम है कुशाल कुमार, मारुति सुजुकी डिजायर का टूर एस वेरिएंट। इस वीडियो में आज हम इसी कार के बारे में बात करने वाले हैं, क्या क्या फीचर्स आपको इस कार के इंटीरियर एक्सटीरियर में ऑफर करे जाएंगे। 6,51,000 रुपीज के एक्सरूम प्रेस वाली कार मिल जाएगी अगर आप इसको पेट्रोल में लेते हैं तो। अगर आपको ये कार सीएनजी में चाहिए तो उसके लिए आपको 7,36,000 रुपीज देने होंगे। अगर आपको ऑन रोड प्राइस जाना आपकी सिटी में क्या है इस कार का, तो मुझे कमेंट कर सकते हैं आपकी सिटी का नाम, मैं आपको ऑन रोड प्राइस बता दूंगा। तो ये टूर एस वेरियंट है, ये क्या क्या फीचर्स दिए जाएंगे आपको इस कार में वो आपको मैं इस वीडियो में दिखा दूंगा। बेसिक फीचर्स भी आपको उसमें नहीं मिलते हैं, पर लेकिन जब आप इसको एक्सटीरियर से देखेंगे तो आपको रियर में एलईडी टेल लाइट मिल जाएगी, क्रोम लाइन मिल जाएगी, आपको डुअल कलर का इंटीरियर दिया जाएगा जिसमें देखने में काफी बढ़िया लगती है कार। तो विजिली भी स्वागत हूँ मैं इस कार की, तो उस तरह की आपको इस कार में की मिल जाएगी। बेसिक सी की रहने वाली है, रिमोट सेंटर लुकिंग आपको उसमें नहीं दी जाती है। और ये रही फ्रंट प्रोफाइल इस कार की, फ्रंट में आपको हैलोजन हेडलैम्प मिल जाएगा, इंडिकेटर में रहने वाला है बल्ब। और ये रही ग्रिल इस कार की, बीच में हो गया सुजुकी का लोगो। और यहाँ पर आपको सिल्वर फिनिश दी जाएगी, जैसे आप देख सकते हैं फोग लैंप्स इस वाले वेरिएंट में आपको नहीं मिलते हैं, और यहाँ पर आपको सिल्वर फिनिश मिल जाएगी। आप इससे कोई और वेरिएंट लेते हैं, जैसे आप इसका नॉर्मल वाला वेरिएंट लेते हैं, टूर एस नहीं लेते, तो आपको यहाँ पर क्रोम मिल जाता है। फिर ओवरऑल किस तरह की लगती है फ्रंट प्रोफाइल इस कार की, और ये रही साइड प्रोफाइल। 14 इंच की आपको उसमें स्टील व्हील्स मिल जाएंगे, व्हील कवर्स इस वाले वेरिएंट में नहीं है। 165/80R14 इंच की प्रोफाइल रहेगी, और इंडिकेटर हो गया इस कार के फेंडर पे, यहाँ पर हो गया स्टीकर सीएनजी का। और ये रहा इस कार का ORVM जो कि ब्लैक कलर का रहेगा, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल, तो आपको इसमें ORVM नहीं दिए जाएंगे। और ये रहा डोर हैंडल जो कि ब्लैक कलर का दिया जाता है, और डुअल कलर का रहने वाला है इंटीरियर कार का। देखने में काफी बढ़िया लगता है इंटीरियर कार का, जब मैं इंटीरियर में चलूंगा तो आपको सभी फीचर्स दिखा दूंगा आपको क्या क्या ऑफर करे जाएंगे। ए पिलर भी बॉडी कलर का, बी पिलर भी बॉडी कलर का, सी पिलर भी रहने वाला है बॉडी कलर का। फ्यूल लिट के लिए हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर हो गया फिल कराने के लिए सीएनजी को। और भी कुछ तरह की लगती है कार साइड से देखने में। डायमेंशन वाइज अगर आप देखें तो काफी बढ़िया डायमेंशन इस कार की रहने वाली है, जो भी डायमेंशन इस कार की वो आपकी स्क्रीन पर शो ही होंगी। और ये रही बैक प्रोफाइल इस कार की, बढ़िया बात ये रहने वाली है अगर आप इसका टैक्सी वेरिएंट भी लेते हैं, यानी टूर एस वेरिएंट भी लेते हैं, तो आपको उसमें भी एलईडी टेल लाइट मिल जाएगी, जिस वजह से देखने में काफी बढ़िया लगती है इस कार की बैक प्रोफाइल। ऊपर साइड आपको यहाँ पर एंटेना मिल जाएगा, सीएनजी का हो गया स्टीकर, स्टॉप लैंप हो गया यहाँ पर, और टूर एस की हो गया यहाँ पर स्टीकर, सुजुकी का हो गया लोगो, क्रोम लाइन मिल जाएगी। ये नहीं कि आप इसका टैक्सी अभी टूर एस वेरिएंट ले रहे हैं तो आपको ऐसी चीजों से कोई कॉम्प्रोमाइज करना पड़े। क्रोम मिल जाएगा और एलईडी टेल लाइट मिल जाएगी, जो कि देखने में काफी बढ़िया लगती है। मैं आपको उसको ऑन करके भी दिखा दूंगा किस तरह की लगती है फिर ऑन होने के बाद। इंडिकेटर और बैकलाइट में हो गया यहाँ पर बल्ब। 4 पार्किंग सेंसर्स आपको यहाँ पर दिए गए हैं। अब चलिए मैं आपको उस कार का बूट दिखाता हूँ, फिर कितना स्पेस मिल जाएगा आपको उस कार के बूट में। कार की बूट को लॉक करने के लिए आपको यहाँ पर मिल जाता है, जब उसको पुल करेंगे तो कार का जो बूट है वो लॉक हो जाएगा। वैसे आप देखो इतना बूट स्पेस रहेगा फिर सीएनजी टैंक होने के बाद, फिर भी ऐसे आप देखते काफी बढ़िया फिर बूट स्पेस रहेगा सेडान कार होने की वजह से। यहाँ पर आपको स्पेयर व्हील मिल जाता है, कवरिंग आपको यहाँ पर नहीं दी जाती है। तो ये तो बात रही इस कार के एक्सटीरियर के बारे में, जैसे आप देखो उस तरह का इस कार का एक्सटीरियर लुक। व्हील कवर्स हो गए, कुछ ऐसे फीचर्स आपको उसमें नहीं दिए जाएंगे, ना ही आपको इसमें फोग लैंप्स मिलेंगे। बेसिक फीचर्स आपको उसमें नहीं मिलते हैं, और ना ही रिमोट सेंट्रल लॉकिंग दी जाएगी। पर लेकिन टूर एस वेरिएंट होने के बाद भी आपको रियर में एलईडी टेल लाइट, क्रोम लाइन और ग्रिल में सिल्वर फिनिश जैसी चीजें आपको मिल जाती हैं। और इंटीरियर भी काफी बढ़िया इस कार का, जब मैं इंटीरियर में चलूंगा तो आपको फीचर दिखा दूंगा। 1200cc का आपको उसमें इंजन मिल जाएगा, जो कि प्रोड्यूस करता है 70 bhp की पावर। रियर इस कार का इंटीरियर जैसे मैं आपको बताया रहा था डुअल कलर में रहने वाला है, सभी फीचर्स को हम देखने वाले हैं क्या आपको ऑफर करे जाएंगे। और रियर ड्राइवर साइड डोर, ये भी आपको बीच कलर का मिल जाएगा, डोर ओपन हो गया बीच कलर का। मैनुअली विंडो मिल जाएंगे आपको यहाँ पर, बाटर बोटल स्पेस, डॉक्यूमेंट स्पेस और स्पीकर की आपको यहाँ पर सिर्फ हाउसिंग दी जाएगी। तो फिर बाहर से देखने में उस तरह का लगता है इंटीरियर कार का। और ये रही ड्राइवर साइड सीट, ड्राइवर साइड सीट हेडसमेंट का फीचर आपको यहाँ पर नहीं है, सिर्फ रिक्लाइन करने का दिया जाएगा। कार की बूट को अनलॉक करने के लिए हो गया यहाँ पर, और फ्यूल लिट को ओपन करने के लिए। और ये रहा कार का इंटीरियर, बेसिक सा इंटीरियर रहने वाला है, कोई भी फीचर्स आपको ऐसे एक्स्ट्रा नहीं दिए जाते हैं इस वाले वेरिएंट में। बेसिक फीचर्स भी आपको नहीं मिलेंगे, ना ही आपको फ्रंट डोर की पावर विंडो मिलेगी, ना ही रियर डोर में मिलेगी, ना ही आपको इसमें कोई भी एंटरटेनमेंट सिस्टम मिलेगा। और जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर रहने वाला है वो भी बेसिक सा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर रहेगा। सभी फीचर्स को मैं आपको दिखाने वाला हूँ कैसे इस कार का इंटीरियर रहेगा। फिर अब मैं की को लगा लेता हूँ, जिससे फिर मैं आपको दिखा दूंगा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। तो वैसे आप देखो उस तरह का रहेगा इस कार का स्टेयरिंग व्हील, सुजुकी का हो गया लोगो, यहाँ पर आपको सर्कुलर में क्रोम मिल जाएगा। और ये रहा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। स्पीडोमीटर मिल जाएगा आपको इसमें, सिर्फ आरपीएम मीटर इसमें नहीं दिया गया है कुछ, यहाँ पर आपको अलर्ट लाइट्स मिल जाएगी। बीच में कुछ साइज की दी गई है वो MID,
इसमें आपको उसके फ्यूल का कितना चल गई है कार वो आपको उसमें दिखता रहेगा। ओडियरा ड्राइवर साइड एसी वैन, सीएनजी में शिफ्ट करने के लिए हो गया यहाँ पर बटन, ओडियरा सेंटर कंसोल इस कार का। यहाँ पर आपको एसी वैंस मिल जाएंगे, 1000 लाइट का हो गया बटन, सिल्वर फिनिश, और यहाँ पर आपको कोई भी एनफोटेनमेंट सिस्टम नहीं मिलता है। यहाँ पर आपको सिर्फ उसकी हाउसिंग मिल जाएगी, ब्लैक कलर में रहने वाला है। मैनुअल एसी हो गई, 12 वोल्ट को हो गया पावर सॉकेट, फॉर द स्पेस हुफ कप होल्डर्स, ओडियरा कार का सन वाइजर, वैनिटी मिरर या फिर टिकट होल्डर भी आपको यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। और ये IRBM मैनुअल डे नाइट एडजस्टमेंट आपको यहाँ पर नहीं दी जाती है। और ये रहा को ड्राइवर साइड सनवाइजर, बैंटी मेरा आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा और ना ही टिकट होल्डर। और ये रहा ग्रैब हैंडल को ड्राइवर साइड का, कुछ तरह की फ्रंट सीट्स रहेंगी इस कार में जिनमें आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं मिलते हैं, सिर्फ फिक्स हेडरेस्ट मिल जाएंगे। फैब्रिक सीट्स रहेंगी, कुछ तरह का डिजाइन यहाँ पर बना हुआ है। और ये रहा हैंड ब्रेक, और मैं आपको इस कार का ग्लव बॉक्स दिखाता हूँ, कितना स्पेस दिया जाएगा आपको, तो फिर उतने साइज का रहेगा इस कार का ग्लव बॉक्स। और ये रहा को ड्राइवर साइड डोर, दो अपना हो गया बीच का काम, मैनुअली विंडो, वाटर बोटल के स्पेस, डॉक्यूमेंट स्पेस और स्पीकर की सिर्फ हाउसिंग। यहाँ पर आपको एक नोटिस का स्टिकर मिल जाता है, मैक्सिमम स्पीड लिमिट 280 किलोमीटर पर आवर की। तो चलिए फिर गुस्सा था फ्रंट सीट और बैठ कर मैं लेके देता हूँ वो उस कार की रेयर सीट, और वहाँ पर आपको इतना स्पेस मिल जाएगा। ड्राइवर साइड सीट मैं इनको अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर देता हूँ, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कितना लेग रूम है वहाँ पर। मेरी हाइट 6 फीट है, तो कितना लेग रूम है इस कार में, लेग रूम और हेड रूम में तो कोई भी कमी नहीं रहेगी। और रियर सीट पर बैठे उस तरह का लगेगा डैशबोर्ड इस कार का, और जैसा मैंने आपको दिखाई दिया था कैबिन लैंप, फ्रंट में आपको कोई भी कैबिन लैंप नहीं मिलता है, आपको यहाँ पर मिल जाएगा, जिस वजह से रियर सीट पर भी काफी ब्राइटनेस पर रहेगी। और रियर सीट पर जो भी पैसेंजर बैठेंगे वो अपने हिसाब से ऑन या फिर ऑफ कर सकते हैं कैबिन लैंप को। फ्रंट में फिक्स हेडरेस्ट और बैक में भी आपको फिक्स हेडरेस्ट मिल जाएंगे। और ये ग्रैब हैंडल, और ये बैक डोर इस कार का, मैनुअली विंडो करनी पड़ेगी आपको यहाँ पर, वाटर बोटल स्पेस उतने साइज का रहेगा, फिर यहाँ पर बंप। तो ये ओवरऑल कुछ सरकार दस कार का इंडिया, जो फीचर्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं वो मैंने आपको दिखाई दिए हैं। वैसे देखो सरकार दस कार का बोक राउंड, जो फीचर्स आपको इस कार के इंटीरियर टेक्सचर मिल जाते हैं वो मैंने आपको सभी दिखा दिए हैं। और प्राइस तो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, दस कार का 7,36,000 रुपीज के एक शोरूम प्राइस पर आपको कार मिल जाएगी। जैसे आपने देखा आपको फ्रंट में भी पावर विंडो कंट्रोल नहीं दिए जाएंगे, मैनुअली विंडो करनी पड़ेगी आपको, तो बेसिक फीचर्स भी आपको उस कार में नहीं मिलेंगे, आपको आफ्टर मार्केट वर्क कराना जरूर पड़ेगा अगर आपको बेसिक फीचर चाहिए अपनी कार में। तो ये चलिए फिर आपको इस कार के ओवरव्यू की वीडियो देखनी है, अगर किसी और कार का बुक नाउन देखना है तो आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं। फ्यूचर में ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो बड़ा देखने के लिए आपका धन्यवाद।